हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसके अंदर आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लाइव डेमो QRMP PMT06 पेमेंट 35% चलान या चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस फुल नॉलेज के साथ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टल पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताया था कि 35% जो कैलकुलेट हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसके रीजन भी दिए थे मैंने आप लोगों को। बट जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड किया, अच्छा खासा व्यू आया, आप सभी का प्यार भी मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स है जिनको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के मन में लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ डाउट है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो में जितने कमेंट आए उन कमेंट का मैं जवाब आप लोगों को उसी टाइम दे दूं। तो चलिए एक एक कमेंट पढ़ते हैं और उस कमेंट का मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज मैं हवा में नहीं छोड़ता, मैं आप लोगों को उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। और अब तो GST पोर्टल पर भी उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि GST पोर्टल जो कैलकुलेट कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें। यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ सबसे पहले कमेंट जो आया वो पहला ये है कि नील रिटर्न कैसे करें QRMP में, हरीश पुरोहित जी हैं। तो हरीश पुरोहित जी देखिए, अगर आपका नील रिटर्न है तो सबसे पहली बात, आपको GST R3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो क्वार्टरली बेस पर ही आप फाइल करेंगे। उस केस इस केस में अगर आपका नील रिटर्न है, इस केस में आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज पूछा जाता है ये कि सर, अगर मेरे पिछले क्वार्टर में मेरा कोई टैक्स, मतलब जो भी मैंने पे किया वो कैश के थ्रू मैंने पे किया ही नहीं था, क्रेडिट से ही एडजस्ट कर दिया था, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में आप 35% सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे पोर्टल ही आपको रोक देगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उपेंद्र मेहता जी ने लिखा है, प्लीज नोट दैट पोर्टल इज शोइंग करेक्ट पेमेंट फॉर दिसंबर 2020 सिंस 100% ऑफ दिसंबर अमाउंट इज टू बी पेड। चलिए, इनकी बात मैं सही करता हूँ, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये बात करें नोटिफिकेशन नंबर 85 की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन नंबर 85 वो कहता है कि अगर ऐसे टैक्स पेयर जो प्रीवियस ईयर में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते, जैसे एग्जांपल के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर GST R3B क्वार्टरली जाती तो उस केस में तो हम 35% पे करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो ये QRMP स्कीम लागू हुआ वो हुआ 1 जनवरी से, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब क्योंकि 1 जनवरी से पहले चाहे अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, आप चाहे मंथली वाले हो या क्वार्टरली वाले हो, सभी GST R3B मंथली बेस पर भरा करते थे। तो नोटिफिकेशन नंबर 85 जो है वो ये कहता है कि अगर आप GST R3B मंथली पे कर रहे हैं तो जो उसके नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे दिसंबर की बात करूं, हमने पे कर दिया GST R3B मंथली बेस पर, अब जनवरी हम फाइल करेंगे और हम QRMP में जा चुके हैं, तो उस केस में दिसंबर का 100% लायबिलिटी जो आपने कैश में पे किया था वही आपको जैन और फैब में फिल करना है। कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे कह भी रहे कि आप अगर पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, इट इज Do note that for the month of Jan and Feb 2021 in quarter 4 2021 के लिए the auto populate चालान generated under 35 चालान would be cut in 100% of tax liability discharged from electronic cash ledger for the month of December 2020 and not 35%। यहाँ पे साफ कहा जा रहा है ये दोस्तों, इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, और जो ये कहना चाह रहे थे अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अगर अभी मैं आपको पोर्टल पर लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, अगर हम वहां पे जाकर देखते हैं तो 100% नहीं आ रहा, अभी भी वहां पे 35% कैलकुलेट आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन अभी भी है कि भाई वो 35% जो शो हो रहा है उसके ब्याज पर पे करूं या 100% के ब्याज पे करूं, क्योंकि पोर्टल ने अभी वहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट 35%, और 35% में जाएंगे, अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, वहां पे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मनोज बंसल जी है, आकिब प्लाना है, थैंक यू सर, सर आप लोगों का प्यार है ये, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे चैनल को, इसी से आप लोगों का प्यार बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मनोज बंसल जी, मनोज बंसल जी कह रहे हैं, वेदर द सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर QRMP स्कीम मेड अंडर चालान जनरेटेड फ्रॉम एनी अदर पेमेंट इज वैलिड और नॉट। अच्छा देखिए, इनका क्वेश्चन ये है, तो मनोज जी देखिए, अगर आप वहां पे एनी अदर पेमेंट सेलेक्ट करके पेमेंट करते हैं और अगर आप QRMP में है तो
मैं ये नहीं कह सकता कि वो वैलिड है या नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है आपके कैश को ब्लॉक कर दिया जाए, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह या कोई रिक्वेस्ट वगैरह डालना होगा ऑनलाइन, तब जाके आपको वो कैश हो सकता है रिलीज हो, तब उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि गलती ना करें कि एनी अदर पेमेंट उन लोगों के लिए जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं अपना। QRMP वालों के लिए 35% वाला ऑप्शन है, तो आप वो जरूर सेलेक्ट कीजिए, आप एनी अदर पेमेंट के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पे धनंजय जी है, वेरी गुड टीचिंग स्किल, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे एक और है सौरभ कुमार, ये पूछ रहे हैं सर जैन मंथ में कोई लाइबिलिटी ही नहीं बनती है, टैक्स पेमेंट कैसे करें, जैन में इनपुट से कम आउटपुट है तो टैक्स पेमेंट नहीं ना होगा QRMP स्कीम में। सौरभ जी आप बिल्कुल ठीक है, देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ऐसे टैक्सपेयर जिनका निल रिटर्न है, जिनके पिछले मंथ में कोई कैश के थ्रू पेमेंट नहीं करी गई है, जिनकी जैन मंथ की अगर मैं बात करूं कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं बन रही है या इनपुट ज्यादा है, उस केस में आपको GST R3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप क्वार्टरली रिटर्न ही मतलब आप मार्च तक वेट कर लीजिए। हाँ फेब में अगर बनता है आपको तब आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन अगर निल रेट है कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं बनता तो आप मार्च में ही रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा बंसल जी सर जो RCM है उसे मंथली वाइज पेमेंट करना है या क्वार्टरली, देखिए सर अगर आप QRMP में गए हैं, बंसी लाल जी अगर आप QRMP में गए हैं तो आप देखेंगे 35% जैसे हम सेलेक्ट करते हैं वहां पे ऐसा कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा। तो अगर आप, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अगर आप QRMP में जाना चाहते हैं तो वहां पे जो 35% आ रहा है अभी भी वो गलत ही आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 85 वो ये कहता है कि लास्ट मंथ अगर आपने मंथली पे करी हुई है, ठीक है, तो जैसे कि सभी मंथली पे करते हुए तब तक GST R3B, तो आपको 100% अपने प्रीवियस मंथ का 100% लाइबिलिटी पे करना होगा जैन और फेब मंथ में। लेकिन पोर्टल पे लॉगिन करके हम देखेंगे तो वहां पे से 35% आ रहा है, दिसंबर का 100% लाइबिलिटी दिखा तो रहा है लेकिन 35% ही कैलकुलेट हो रहा था, पोर्टल अभी भी अपडेट नहीं है। तो RCM के केस में मैं आपसे कहना चाहूंगा या तो सेल्फ असेसमेंट में जाइए, वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से पे कर दीजिए, अदरवाइज अगर क्वार्टरली जाते हैं तो वहां पे कोई ऐसा ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा कि RCM वहां पे आप दिखा दे, तो इस केस में आप सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ऐसे टैक्सपेयर जिन्होंने दिसंबर मंथ का रिटर्न, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, कि ऐसे टैक्सपेयर जिन्होंने दिसंबर मंथ का जो रिटर्न है वो लेट फाइल किया, तो उसका जो लेट फीस है वो जनवरी मंथ में लगता था, आप सभी जानते थे, लेकिन जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं वहां पे 35% वाला जो सिलेक्ट कर रहे हैं वहां ऑटोमेटिक लेट फीस कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि वो बाद में शो करे या फिर जो हम क्वार्टर के एंड में रिटर्न फाइल करे तब वहां पे शो करे, या फिर ये माफ कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्लेरिफिकेशन नोटिस वगैरह नहीं आया, तो इसमें तो सर मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते जिनका लेट फीस लग रहा है। हाँ आप वेट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। एके गौतम गुड टीचिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। राजन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सर, आप सभी का प्यार है जो आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई नहीं मजाक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर पिछले क्वार्टर में टैक्स ना जमा किया हो, उवेश अंसारी जी, देखिए मैंने पीछे बता दिया ये सारी चीजें तो आप लोग आपने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा, आई होप, नहीं सुना होगा तो एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा प्रेमलाल जी कह रहे हैं 100% फॉर मंथली पेमेंट बेस ऑन दिसंबर टैक्स पेड, सो पोर्टल इज करेक्ट, आपकी ओपिनियन इज रॉन्ग। ठीक है सर मैं आपकी बात मानता हूँ, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। लेकिन चलिए अब मैं आपको इसी चीज को क्लियर कर देता हूँ कि आप ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप GST पोर्टल पे जाइएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन नंबर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि 100% यानी क्योंकि GST R3B सभी फाइल कर रहे थे अब तक, मंथली बेस पे कर रहे थे, क्वार्टरली बेस पे तो कोई करता नहीं था, तो 85 नोटिफिकेशन नंबर जो है ना वो यही कहता है कि अगर आपने जो GST R3B मंथली पे किया तो लास्ट मंथ का जो आपका 100% लाइबिलिटी बनता था कैश में जो आपने पे किया है वही आप जैन और फेब में ही पे करेंगे। लेकिन अगर आप पोर्टल पे लॉगिन करके देखेंगे और 35% सेलेक्ट करेंगे तो अक्टूबर दिसंबर वाले कॉलम में तो 100% आपका दिसंबर मंथ का सेलेक्ट करेगा, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो जैन मंथ में पे करना है वो भी 100% ही होना था, लेकिन वहां पे 35% ही कैलकुलेट हो रहा है। आप एक बार लॉगिन करके देखिए तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। वैसे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि मेरा ओपिनियन गलत है, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मैं ठीक कैसे करूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। चलिए आगे, भाई पोर्टल पर न्यू नोटिफिकेशन से
सर ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं है भाई, पोर्टल पर न्यू नोटिफिकेशन है। अच्छा कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। पिंटू यादव सर, 2 ईयर पहले GST लिया और दुकान 2 साल पहले बंद हो गई, ITR फाइल नहीं किया। सर देखिए, यहाँ तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप GST के बारे में पूछ रहे हैं या ITR के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दत्ता खोरवी, नहीं है तो क्या करने का सर जी? सर जी ये तो मैं भी कभी नहीं पता क्या करने का। आप वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करने का है। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल राप्चिक तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए प्रेम राज, चाहिए फिर से आ गया। चलिए देखते हैं अब ये कौन सा प्यार बरसाने वाले हैं। ओनली 35% नीड टू बी डिपोजिट ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर टैक्स पेड बिकॉज पीरियड 3P वाज नॉट क्वार्टरली सो मंथली बेसिस इन दिसंबर इन क्वारंटी। सर मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाया है और मैंने वो सारी चीजें बता दी है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है आपके अंदर उसे दूर करना मेरा फर्ज बन रहा था, वो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा कि जो 100% वाला कंसेप्ट है वो कब एप्लीकेबल है, और पोर्टल पे जो शो कर रहा है वो अभी अपडेट नहीं हुआ, पोर्टल अभी भी वो गलत शो कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया हो दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि आपको ऐसी प्रकार अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टेली RP9 या टेली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा, आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एसेस्ट्रा एसेस्ट्रा, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे 2 कोर्सेस सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टेली RP9 प्लस GST और दूसरा आ रहा है टेली RP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।